गुड मॉर्निंग क्लास 12, प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन दिस साइड। हमने आज एक्सपेरिमेंट करना है अपना। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ पोटाश एलम। पोटाश एलम एक डबल सॉल्ट होगा हमारे पास, जिसमें आपको नजर आ रहा है K2SO4 डॉट एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ठीक है, करना क्या है, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या रहेगी, पहले भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि आपने पहले इन दोनों सॉल्ट को लेना है पर्टिकुलर अमाउंट में। अलग अलग अमाउंट में हम लेंगे, अलग अलग बीकर में हम दोनों को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे उनका। अगर कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा हीट भी कर सकते हैं ताकि पूरा का पूरा वो डिसॉल्व हो जाए। फिर दोनों बीकर के सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, चाइना डिश में ट्रांसफर करेंगे और उसको हीट करेंगे अप टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कैसे पता चलता था आपको, जब आप कंटिन्यूअसली उसको स्टिर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कंटिन्यूअसली स्टिर, ताकि इवन हीटिंग हो जाए उसकी। ठीक है, अब आपने कंटिन्यूअसली इसको स्टिर किया है, ग्लास रोड पे आप क्या करोगे, ऐसे एयर ब्लो करोगे, वहां अगर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हुए नजर आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया। फिर हम उस मिक्सचर को अलाउ करेंगे कूल होने के लिए। और एक और चीज ध्यान रखना, सडन कूलिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो क्रिस्टल्स अच्छे नहीं बनेंगे। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, पहली बात इवन हीटिंग होनी चाहिए, जिसके लिए आपको उसको कंटिन्यूअसली स्टिर करना पड़ेगा। दूसरी बात सडन, यानी कि ऐसा नहीं कि आइस के बीच में रख दिया एकदम से ले जा करके, धीरे धीरे ठंडा होगा, हम उसको थोड़े टाइम के लिए रख देंगे, अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्या क्या करना है आपने, पोटेशियम सल्फेट आपको लेना है 2.5 पोटेशियम सल्फेट लिया, एक बीकर में आपने इसको ट्रांसफर किया और एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में उसको डिसॉल्व कर लिया। मिनिमम मतलब कम से कम जितना हो सके उतना पानी लेके हमने उसको घोल लिया। दूसरे बीकर में हमने एक और बीकर लिया, उसके अंदर हमने लेना है 10 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट। ध्यान देना ये हाइड्रेटेड है। ठीक है, इसको भी फिर हमने मानो 20 ml ऑफ वाटर में हमने, क्योंकि 10 ml है तो 20 ml वाटर हमने इसमें डाला, इसको मिक्स किया। साथ में कुछ ड्रॉप्स किसकी डालनी है आपने इसके अंदर, H2SO4 की। व्हाई वी आर एडिंग H2SO4, टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दोनों बीकर में ये दो चीजें रेडी हो गई हमारे पास। ध्यान देना आप थोड़ा बहुत हीट भी कर सकते हैं अगर कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हो रहा तो, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोनों को आपने क्या करना है, एक मिक्स कर लेना है दोनों को और उस मिक्सचर को ट्रांसफर करना है चाइना डिश में। और फिर चाइना डिश को हम अपने ट्राइपॉड स्टैंड पे वायर होस लगा करके बर्नर के ऊपर रखेंगे और उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर परफॉर्म करते हैं। रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है सामने, डबल सोल्ट कब होता है आपको ये डॉट नजर आ रहा है, ये एक अलग सोल्ट है, ये एक अलग सोल्ट है, डॉट के साथ जब वो जुड़े हैं तो उसको हम डबल सोल्ट कहेंगे, यानी कि कंपोजिशन दोनों की अभी अलग अलग है, K2SO4 एंड Al2SO4 बोथ राइज। दो सोल्ट है, दोनों साथ में प्रेजेंट है, वो डबल सोल्ट होगा। पोटाश एलम कॉमन नेम इसका, और हम इसको फिटकरी भी कह सकते हैं सिंपली। चलो परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट।